नाउ स्टूडेंट्स अभी हमने एक तरीका देखा है कि जैसे हम जिसके ज़रिए हम अपने ऑनलाइन स्टोर को अपने प्रोडक्ट को हम फेसबुक पे मार्केट कर सकते हैं दैट इज़ यूजिंग द द फेसबुक कैंपेन्स यानी एडवर्ड्स ये एक तरीका कि हमने एक कंपेन क्रिएट की और उस कम्पेन को हमने एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए हमने कॉन्फिगर कर दिया और देन वी रीच आउट टू द क्लाइंट्स दैट्स वन वे दूसरी चीज यानी दूसरा तरीका जो आपका आप कह लें जो आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस है फेसबुक के ऊपर यानी जो आपकी आइडेंटिटी है दैट इज द फेसबुक पेज इटसेल्फ अब फेसबुक पेज क्रिएट करने के लिए यू डोंट नीड फेसबुक एडवर्ड यानी मेरे कहने से मुराद ये है कि फेसबुक पेज अलग बन सकता है फेसबुक का जो एडवर्ड है वो भी अलग बन सकता है जो हमने भी क्रिएट किया है फ़र्क सिर्फ ये है कि जिस तरह जी के या गूगल के ऊपर आप कह लें आपकी आइडेंटिटी ई एड्रेस है फॉर एग्ज़ाम्पल बिल्कुल वैसे ही फेसबुक के ऊपर आपका यूजर ने पासवर्ड तो है ही लेकिन आपकी फॉर एग्जांपल आपकी जो बिजनेस की प्रेजेंस है इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ इन इन फॉर्म ऑफ योर फेसबुक पेज मतलब आसान लफ्ज़ों में जिस इंटरनेट के ऊपर आपके बिजनेस की जो प्रेजेंस है वो इंश्योर होती है वेबसाइट से यानी वेबसाइट का जो होम पेज होता है यानी मैंने फॉर एग्जांपल लिखा जंकी तो जो मुझे फर्स्ट पेज नजर आ गया उसको हम लोग बोलते हैं लैंडिंग पेज बिल्कुल वैसे ही फेसबुक के ऊपर जो आपका लैंडिंग पेज है यानी द फर्स्ट पेज विच यू विल सी आपका जो बिजनेस शो करेगा आपके वेब पेज को या आपके फेसबुक के पेज को वो फेसबुक के वर्ल्ड में फेसबुक के इको में उसको फेसबुक पेज बोलते हैं तो अभी और फेसबुक के पेज को यूज करते हुए आप फेसबुक के पेज को प्रमोट कर सकते हैं एक हमने कैंपेन क्रिएट की थी ये एक तरीका प्रमोट करने का अपने प्रोडक्ट को दूसरा तरीका है कि आप एक पर्टिकुलर पेज को फेसबुक के पेज को आप मार्केट कर सकते हैं आप प्रमोट कर सकते हैं सो सो नाउ लेट सी कि हाउ हाउ वी कैन क्रिएट

पहली चीज़ वो मुझे कह रहा है कि नेम योर पेज मैं कहता हूँ जी कि डॉक्टर्स लेट्स सपोज दिस वे अराउंड थोड़ा डिफरेंट करते हैं डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट का पेज है कैटेगरीज की लेट्स सपोज मैं कहता हूँ हेल्थ केयर है या कोई भी हो सकती है होम हेल्थ केयर सर्विसेज फॉर एग्जांपल उसके बाद मुझे कह रहा है एड्रेस बताएं दैट इज़ ऑप्शनल लेट्स सपोज मैं यहाँ पे डी एच एंटर कर देता हूँ उसके बाद मुझे सिटी कह रहा है मैं लेट सपोज लाहौर एंटर कर दी लाहौर पंजाब कोड कह रहा है मैं लेट सपोज़ फ़ाइव फोर ट्रिपल ज़ीरो ऐड कर दिया फ़ोन नंबर ऑप्शनल कह रहा है सो लेट मी कंटिन्यू अब मैं आगे गया तो उसने मुझे कहा जी कि यू नीड टू ऐड योर प्रोफाइल पिक्चर लेकिन ये ऑप्शनल है मैं स्किप भी कर सकता हूँ आप अपलोड भी कर सकते हैं मैं फॉर द टाइमिंग स्किप करता हूँ उसके बाद उसने कहा जी कि ऐड द कवर पेज ये अमूमन जो आपका प्रोडक्ट होगा ये वहाँ से आपके इमेजेस आ रहे होंगे मैं फॉर द टाइमिंग स्किप कर दिया तो उसके बाद अब आप ये देखें एक मेरे पास एक होम पेज क्रिएट हो गया यहाँ पे यहाँ पे उसका नाम आ रहा है डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट सर्विसेज का बाय डिफॉल्ट एक पेज आ रहा है मैं यहाँ पे क्लिक करके देखता हूँ कि ये क्या कह रहा है यहाँ पे आप अपनी ऐड सर्विस कर सकते हैं कि जी डॉक्टर के साथ अगर आपने अपॉइंटमेंट लेनी है आपने प्रिस्क्रिप्शन रिव्यू कराना है अपनी मेडिकल रिपोर्ट रिव्यू करानी है यू कैन ऐड योर रिव्यूज आप ऐड कर सकते हैं मोर इम्पोर्टेंटली कि अगर आप ऐड अ बटन क्लिक करना चाह रहे हैं वो भी कर सकते हैं इस पेज को लाइक भी कर सकते हैं फॉलो भी कर सकते हैं शेयर भी कर सकते हैं अगर आप बटन ऐड करना चाह रहे हैं यू कैन ऐड योर बटन यानी बुक विद यू फॉर एग्जांपल आप ये कहते हैं जी कि एक डॉक्टर यानी ये पेज हमारा जो होगा इसके ज़रिए आप डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं तो मैं लट सपोज कॉन्टेक्ट यू पे क्लिक किया और यहाँ पे कॉल नाउ किया तो यहाँ पर नेक्स्ट आ गया अब उसने कहा जी अपना फ़ोन नंबर एंटर करें मतलब ये है कि यूज़र जब इस पेज पर पे आएगा और कॉल नाओ के बटन में क्लिक करेगा तो उसकी उसको एक नंबर आना शुरू हो जाएगा एंड देन यू कैन इवन कॉल विद फेसबुक फेसबुक के जरिए आप कॉल भी कर सकते हैं दिस इज़ वन वे क्योंकि अब आपके पास आप यूँ समझें कि आपके पास फेसबुक के इको में आपके पास एक स्पेस आ गई है यानी फेसबुक की आप समझें कि फेसबुक के सर्वर्स पे आपके पास एक स्पेस आ गई है उसको आप यूज़ कर सकते हैं एंड दिस इज़ योर एक्चुअली फेसबुक डॉट कॉम डॉक्टर्स डैश अपॉइंटमेंट और यहाँ तक आप समझें आपका यू आर एल यानी आपके पेज जिस तरह गूगल डॉट कॉम एक यू आर एल है उसी तरीके से फेसबुक डॉट कॉम स्लैश डॉक्टर्स स्लैश डैश अपॉइंटमेंट्स आगे नंबर एक है ये आपके फेसबुक की पेज की आईडी है जो आपको नजर आएगी आई गो बैक अब यहां पे मुझे ये डिफरेंट ऑप्शन दिखा रहा है मैं यहां पे पोस्ट भी क्रिएट कर सकता हूं यहाँ से मैं अपने यूथ uh, uh, अपने फ्रेंड्स को भी ऐड कर सकता हूँ जो मेरे फ्रेंड लिस्ट पे हैं कि वो आए उस पेज को लाइक like करें इस पेज को मैं लाइक like भी कर सकता हूँ फॉलो भी कर सकता हूँ शेयर भी कर सकता हूँ जस्ट जस्ट क्लिकिंग बाय ऑन द शेयर बटन उसके बाद मेरे पास यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक नोटिफिकेशन का टैब है नोटिफाई यानी जब भी कोई एक नया रिव्यू आता है तो मुझे वो नोटिफिकेशन भी हो सकती है ये मेरी सारी की सारी एक्टिविटी नज़र आ रही है जो चीज़ हमने अभी थोड़ी देर बाद डिस्कस करनी है वो ये है कि जो मेरा फेसबुक पेज है अगर मैंने अपने फेसबुक पेज के जरिए कोई चीज़ लोगों तक पहुँचानी है तो मैं इस फेसबुक पेज को भी प्रमोट कर सकता हूँ और इसको प्रमोट करने का तरीका बिल्कुल वही है जो हमने अभी अपनी कैंपेन चलाई थी तो दिस इज अ सिंपल वे टू क्रिएट योर फेसबुक पेज यानी अपने प्रोडक्ट को मार्केट करने के लिए एक हमने फेसबुक कैंपेन चलाई थी जो यूआर एल जो, जो वेबसाइट को थ्रू बेसिकली फेसबुक की आप कंपेन चला सकते हैं दूसरा ये है कि आप फेसबुक के ऊपर अपना पेज बना लें अपने ही प्रोडक्ट का या आ, अपने ही इमेज डाल के और उस पेज को फिर आप प्रमोट करें दिस इज द सेकेंड थिंग वॉट वी आर वॉट वी आर डिस्कसिंग और इस पेज को आपने प्रमोट कैसे करना है ये हम लोग अभी देखते हैं